राम राम जी, नमस्कार। मैं आपके प्यारा केशव देव शेरू और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भारत के श्री हरकेश पहलवान जी के अखाड़े पर, जिन्हें आप सभी प्यार से छोटा गली के नाम से जानते हैं। तो आज पहलवान जी बहुत अच्छा दाव सिखाने वाले हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी पहलवान अपने घर से वीडियो देखते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से दाव को सीख सकते हैं। तो पहलवान जी, हाँ, आपको सबसे पहले मेरी ओर से राम राम। राम राम भैया। तो अभी आप जो भी दाव बताने वाले हैं, जरा उसके बारे में बताइए। मैं दाव बताऊंगा जैसे कोई भी पहलवान दूसरे पहलवान का अखेरी दाव एक पच निकाल लेता है, तो उस पर उसको ही चित करने का दाव बताऊंगा। मेरा नाम पंकज है, मैं बरसपुर का रहने वाला हूँ। और ये सुंदरम सुलभ पहलवान है, गोरखपुर से है। ये सुलभ पहलवान है, ये अखेरी पच पकड़ेगा। और ये पंकज पहलवान है, इस पर मैंने बता रखा है दोनों को दाव, और ये करके दिखाएगा अखेरी पच। टेक्निक क्या रहती है पहलवान जी इस दाव की? टेक्निक ये है, कैरी पट पर ये नया दाव बनाया है हमने जी। ऐसे कोई कैरी पट पर लग जाए तो उसको छुड़ाते हैं, छुटता नहीं है, तो उसी पे ये अपना अटैक कर दो। यहाँ बताइए जी, जैसे कि इसने मेरी अकेरी पट पकड़ी जी, तो मैंने ऐसे गर्दन पकड़ी यहाँ से। तो एक सेकंड, गर्दन आपने पकड़ रखी है? हाँ, यहाँ से गर्दन पकड़ी जी। और ये सामने मेरा जो पट है ये वाला, इसको मैं यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा आगे, ऐसे ये पकड़ूंगा और ऐसे करके। अच्छा, इसको क्या अखेरी दाव कहते हैं? नहीं, अखेरी दाव को की काट जी, अखेरी दाव की काट हमने खुद बनाई है जी। ऐसा होता है कि जब पहलवानी करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो उसमें कुछ दाव ऐसे होते हैं कि अपने आप बनने लग जाते हैं, बनने लग जाए। और अच्छा दाव हो तो उसकी टेक्निक करते रहो तो ऐसा रिपीट हो जाएगा अपनी बॉडी में कि वो मेरे पच पर लगेगा, तो मैं इसको अपने आप कर दूंगा। दोबारा करें दोनों ने। बहुत शानदार।